होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे के आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे और जैसे इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात, 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कोल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई बने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं, याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी जितना महत्व तो राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व तो किसान के खेत का था। इतिहास को मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 कृषि का काला कानून, क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्योंकि उनके आकार लेकर आए थे, लेकिन उनको भी बता दें ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश, इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है तीन ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है, बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो, लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था, अगर इमरजेंसी था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि भारत को यदि कोई असली आजादी दिला सकता है तो किसान कामगार मजदूर ही दिला सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, लेकिन क्या वो आजादी गांव खेत खरिहान किसानों तक जाएगी या फिर 10% मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रहेगी। आज देख लीजिए हजारों हजार किसानों की आत्महत्या, हजारों हजार मजदूरों की आत्महत्या, सब बता रही है कि देश की सारी आजादी 10% लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। कारण कि बाकी जो 90% किसान लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं जताया कि पॉलिटिक्स क्या है। अरे भाई खेत भले हमारा ताराटाड़ में है, खेतवा भले हमने ताराटाड़ में है, लेकिन नियमवा तो सीओ के ऑफिस में बना है ना, तो कब्जा तो हुए हो ना, कखन कब्जा में हेर फेर भरी तो पता चलता। इसलिए इस घुमान में मत रहिए कि खेत खरिहान जंगल बाड़ी बाग बगीचा ये हमारा है और हमारे सामने है, क्योंकि इसका नियम विधानसभा में तय होता है, इसके लिए कानून लोकसभा में बनती है भाई, वहां से कभी भी छीनने का फरमान जारी हो सकता है जैसा कि हुआ था